आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। लास्ट टाइम जो हमने डिटेल में स्टडी की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसका आखिरी पॉइंट अगर आपको याद हो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसका आखिरी पोस्टुलेट ये था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी पोस्टुलेट की डिटेल में जाएगा और हमें ये समझाएगा कि किस तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स की, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की, उसके टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरीके से एनर्जी बढ़ती है और कैसे कम होती है, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। उसी तरीके से जैसे हमने गैस लॉस प्रूव किए थे, वो डेरिवेशन यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ कि कैसे उस किस तरह उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली रिलेशन। उसके लिए हम सबसे पहले अपनी काइनेटिक थ्योरी की बेसिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और उनकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन अब क्या होती है कि अगर ये एक सरफेस है और इस पे कोई चीज़ बाउंस की है तो ये बाउंस करके जब वापस आएगी तो इस बाउंसिंग के दौरान जो है एनर्जी लॉस जो है वो अगर नहीं हुआ, नो एनर्जी लॉस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सरफेस है, इस पे अगर आप एक मैजिक बॉल, जिसको हम छोटी सी वो रबड़ की बॉल होती है मैजिक बॉल जिसको कहते हैं, अगर आप वो ड्रॉप करें ना तो वो वापस जब आती है ना तो वो ऑलमोस्ट उसी हाइट तक आती है वापस, बहुत ज़्यादा वो बाउंस करती है। तो वो कौन सी कोलिजन होती है? इलास्टिक कोलिजन, मतलब उसने कोलिजन के दरमियान किसी किस्म की एनर्जी ज़ाया नहीं की, जहाँ से ड्रॉप की थी वहीं तक वापस आ गई। जबकि अगर आप एक बास्केट बॉल या कोई और बॉल ज़मीन पर ड्रॉप करेंगे तो वो ज़मीन से लगने के बाद उस हाइट पर नहीं आएगा, उससे कम हाइट पे आएगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन के दरमियान उसने एनर्जी वाया की, तो वो होती है नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस जब किसी भी वॉल के साथ टकराते हैं तो उनकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है, उस दौरान वो एनर्जी जाया नहीं करते। तो ये इलास्टिक कोलिजन के हवाले से था। फिर हमने जो काइनेटिक थ्योरी की बेसिक इक्वेशन थी उसकी तरफ चलते हैं, जो कि प्रेशर के हवाले से थी। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc² उसी तरह पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एम इज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस वेसल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो कि टोटल नंबर है, और सी बार का जो स्क्वायर था दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये तो था आपके पास रिलेशन हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। फिर हमने उसमें बात की कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो ई के है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का किसी भी चीज़ के अंदर मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी को मोशन में लेके आती है। अगर एक बॉडी, ये कार है फॉर एग्जांपल, ये कार अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। एनीथिंग विच इज इन मोशन बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम स्टडी करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्योंकि मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, ई के इज इक्वल टू 1/2 एन
एम सी बार स्क्वायर। अब एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम वन मॉलिक्यूल के लिए जब स्टडी कर रहे हैं इसको, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, तो ये एन वन हो जाएगा, तो हमारे पास जो ई के होगी विच इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 एम सी स्क्वायर। अब कुछ डिफरेंट तरह की मोशन होती हैं। ट्रांसलेशनल एनर्जी का क्या मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है आपका वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो हम उसको कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है, और ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल मूव नहीं करता, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो हम उसको कहेंगे इसके अंदर जो एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो यहाँ पे वो टर्म यूज कर रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो कहता है जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम सी स्क्वायर फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब बेसिक इक्वेशन को इसकी टर्म में लिखेगा, रीराइट करेगा, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 2/2 1/3 एम एन सी स्क्वायर पी वी। अब अगर इसको मैं रीअरेंज कर दूं, रीअरेंजिंग, तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन 1/2 एम सी का स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको अरेंज किया। अरेंज इसलिए किया ताकि ये जो टर्म है इसकी जगह मैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म में इसको लेके आ सकूं। ये जो चीज थी ये बराबर है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, ई के के। तो इसको जब मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके अंदर तो ये हो जाएगा 2/3 एन इंटू ई के। ये आपके पास आ गई एक अदद इक्वेशन। अब वो कहता है जी कि एन जो है वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए अगर ये वन मोल हो तो एन ए हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर एक नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने में होते हैं, एन ए के बराबर होते हैं। बेसिकली एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं कहता हूं अगर मेरे पास एक मोल है गैस का तो एन किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं एक मोल में, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो वो एन ए से उसको रिप्लेस कर रहा है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन ए इंटू ई के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। अब हमें पता है कि जो जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन हमें कहती है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब फॉर वन मोल, फॉर एन इज इक्वल टू 1, अगर एन जो है वो 1 होगा तो इट विल बी पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूंगा तो हमारे पास टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा जी 2/3 एन ए ई के इज इक्वल टू पी वी, ये एक इक्वेशन थी, और आर टी इज इक्वल टू पी वी, ये दूसरी इक्वेशन थी। इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो ये बन जाएगा 2/3 एन ए ई के इज इक्वल टू आर टी। अब अगर मैं ई के को सेपरेट कर लूं, मुझे एनर्जी चाहिए उसकी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 3R/2 इंटू एन ए इंटू टी। यहां से मुझे क्या पता चला कि अगर मेरे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर मौजूद हो तो एन ए तो एवोगाड्रो नंबर है, आर भी कांस्टेंट है, तो इस सारे फार्मूले में पुट करके मैं उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी
निकाल सकता हूँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ सकती है। और यहाँ से जो दूसरी बात पता चली तो वही वाला फाइनल पोस्टुलेट था, विच इज ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो था हमारे पास फाइनल पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी का और उससे रिलेशन। अब इससे हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समझ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि अगर ये आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो फास्ट मूवमेंट है, वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी लेस है तो वो स्लो मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है वो स्लो है, वो इतनी विगरस मूवमेंट नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी उसका कम है। अब ये बात एक्सप्लेन करती है हमारी हीट ट्रांसफर को, कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंटेनर है गैस का जिसके अंदर गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मौजूद हैं। आपने इसको अब टेम्परेचर दिया है, आपने इसको हीट किया बर्नर से, क्या होगा? ये जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी जो उनकी है, जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल हैं इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। जब ये मूवमेंट फास्ट होगी ये ऊपर जाएंगे, कोलाइड करेंगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे का टेम्परेचर जो होता है वो सेम हो जाएगा, तमाम मॉलिक्यूल इक्वली जो होते हैं वो मूव करेंगे। यही वजह है कि जब हम गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, कोलिजन्स बढ़ती हैं तो एनर्जी और हीट ट्रांसफ़र होती है और तमाम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। यही वजह है कि वो कह रहा है जी लिक्विड्स और गैसेस के अंदर जो है ये आपकी टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और गैसेस के केस में। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है और ये फ्रीली मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। अगर वो बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के केस में मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, तो जो सी इनकी मूवमेंट है ये फ्री मूवमेंट नहीं होती, ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन होती है। इस वजह से वो कह रहा है कि जो सॉलिड्स के केस के अंदर जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के, एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्रीली मूव नहीं कर सकते, पैक हुए होते हैं, और पैक होने की वजह से वो अपनी असल लोकेशन के ऊपर ही वाइब्रेट करते हैं। तो ये तो था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। यहाँ पे एक और पॉइंट लास्ट में वो डिस्कस कर रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, जो हमने डिफाइन किया था अपने चार्ल्स लॉ के दौरान। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसपे टेक्निकली स्पीकिंग वॉल्यूम ऑफ एनी गैस जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन वो जीरो नहीं होता, उससे पहले ही गैस लिक्विफाई हो जाती है। ये पुरानी बात है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एब्सोल्यूट जीरो को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसपे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो। काइनेटिक क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना के काइनेटिक एनर्जी के, तो टेम्परेचर अगर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जानी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जीरो का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टॉप मूविंग, मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करना बंद कर गए हैं। काइनेटिक एनर्जी के जीरो होने का मतलब
ये है, और यही वजह है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो जो होता है हम कभी अचीव कर ही नहीं सकते। -273 डिग्री जो होता है लेके आना टेम्परेचर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एक नया तरीका था एब्सोल्यूट जीरो को देखने के लिए कि ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन जो होती है, मॉलिक्यूल जो उनकी मूविंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, सीज हो जाएगी। सीज का मतलब भी स्टॉप होना ही होता है। तो ये एक नया तरीका था, नए पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो को भी देखने का एक तरीका था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, के टेम्परेचर को किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करती है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस और उसके प्रोसेस स्टडी करेंगे कि गैसेस किस तरीके से लिक्विफाई होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।